टू द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमोबाइल्स गाइस, आज हमारे सामने है मारुति सुजुकी सिलेरियो का ZXI ऑप्शनल वेरिएंट ब्लेजिंग रेड कलर के अंदर। सो गाइस, आज हम इसी कार के बारे में बात करने वाले हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले अगर इसकी बात करें डीप डाउन अगर फ्रंट की, तो फ्रंट में सबसे पहले इसकी कीज देखते हैं। तो कीज जो है आपको इसके अंदर नॉर्मल वाली मिलती है, इसके अंदर सेंटर लॉकिंग वाली जो इसमें एक अनलॉक का बटन और एक लॉक का बटन आपको जो है इसके अंदर मिल जाता है। देन उसके बाद अगर डीप डाउन और इसके फ्रंट के बारे में बात करें तो एक नॉर्मल लुकिंग कार है, ज्यादा कुछ इसमें अलग नहीं है। एंड यहाँ पर आपको जो है ब्लैक कलर की ग्रिल मिल जाएगी, साथ ही मिड में आपको सुजुकी का लोगो जो कि क्रोम का है, और साथ ही यहाँ पर एयर डैम भी आपको जो है ग्रिल के डिज़ाइन का मिल जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर देखें तो आपको नीचे की साइड आपको यहाँ पर जो है फॉग लैंप मिलेंगे, जो कि सिर्फ ZXI ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर जो है अवेलेबल है। और यहाँ पर जो इसके हेडलैम्प है वो आपको नॉर्मल हेडलैम्प, पार्किंग लाइट, और साथ ही साथ यहाँ पर टर्न इंडिकेटर, ये आपको जो है इस गाड़ी में यहाँ पर मिलेगा फ्रंट के अंदर। फ्रंट ये हुई गाड़ी की फ्रंट के बारे में बात। अब चलते हैं साइड में, अब देखते हैं गाड़ी की साइड। अगर गाड़ी की साइड देखें तो यहाँ पर गाड़ी की साइड कुछ इस तरह से दिखाई देती है, और एक हाईलाइटेड फीचर जो इसके अंदर है सिर्फ ZXI ऑप्शनल मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर ये अलॉय व्हील्स आते हैं। इसके सिल्वर कलर के जो अलॉय व्हील्स आप देख रहे हैं इसके अंदर, ये सिर्फ ZXI ऑप्शनल के अंदर ही आते हैं। बाकी फ्रंट में डिस्प्ले को रेयर में जो है आपको ड्रम ब्रेक इस कार में मिल जाएंगे, साथ ही साथ ट्यूबलेस टायर इसके अंदर मिल जाएंगे। और टायर साइज की अगर इसके अंदर बात करें तो 165/70R 14 इंच के इसके अंदर टायर्स मिल जाएंगे आपको। और इसके ORVM जो है आपको टर्न इंडिकेटर इसके ORVM के ऊपर ही मिल जाएगा, साथ ही बॉडी कलर्ड ORVM और बॉडी कलर्ड डोर हैंडल भी इस कार के अंदर जो है मिल जाएंगे। ऑल एंड ऑल साइड से कार कुछ इस तरह से जो है दिखाई देती है। एंड उसके बाद चलते हैं गाड़ी के रेयर में। एंड गाड़ी रेयर से अगर देखें तो रेयर से भी नॉर्मल ये गाड़ी दिखती है, रेयर से कुछ गाड़ी इस तरह से दिखाई देती है। डीप डाउन इसमें बात करें तो यहाँ पर आपको डिफोगर, वॉशर एंड यहाँ पर जो है वाइपर देखने को मिलता है। साथ ही साथ मिड में यहाँ पर जो देखते हैं आप सुजुकी का लोगो क्रोम के अंदर, और साथ ही साथ सिलेरियो की यहाँ पर बैजिंग। एंड नॉर्मल इसके टेल लैम्प जो इसके पहले की तरह ही हैं। एंड इसमें जो है 2i अल्ट्रासोनिक रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। एंड इसके टेल गेट की बात करें तो टेल गेट इसके अंदर जो है नॉर्मल आपको देखने को मिलता है, 5-door सेंट्रल लॉकिंग के साथ है ये। तो आप इस हैंडल को प्रेस करते हैं गाड़ी की बूट जो है ओपन हो जाती है। फिर यहाँ पर मिलती है आपको रिवर रियर पार्सल ट्रे, एंड जो बूट स्पेस आप देख रहे हैं इसके अंदर ये आपको मिलता है इसके अंदर 235 लीटर का इसके अंदर जो है आपको बूट स्पेस मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर देखते हैं तो आपको हुक जो है एक देखने को मिलता है। एंड इसके स्पेयर व्हील की बात करें, स्पेयर व्हील इसके नीचे जो यहाँ पर रखा हुआ है जैक पीस के ऊपर ही यहाँ पर आपको रखा हुआ मिलेगा। इसके बाद अगर आप बूट में ज़्यादा स्पेस चाहते हैं तो आप इस रियर पार्सल ट्रे को भी हटा सकते हैं, और साथ ही साथ ये सीट जो है 60-40 स्प्लिट है, आप इन्हें भी जो है फोल्ड करके यहाँ पर अपना लगेज वगैरह जो है रख सकते हैं। तो ऑल एंड ऑल गाड़ी में जो है बूट स्पेस भी सफिशियंट ही है। तो ऑल एंड ऑल गाड़ी जो है रेयर से कुछ इस तरह से दिखाई देती है। एंड अब ये हुई बातें गाड़ी के रेयर के बारे में, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स के बारे में। गाइस, जैसे ही बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स के बारे में, तो इसके अंदर एक आपको ड्यूल टोन का जो है इंटीरियर मिलता है ब्लैक और बेज कलर के अंदर, जो कि एक अच्छी सी फील आपको जो है इसके अंदर देता है। साथ ही हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट इसके अंदर जो है मिलती है, जो सिर्फ ZXI ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर ही आपको अवेलेबल मिलेगी। एंड उसके बाद अगर यहाँ पर अंदर की साइड देखें आपको, तो इसके अंदर जो है आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री जो है मिलेगी सीट्स की, और हेडरेस्ट जो है आपको इंटीग्रेटेड ही इस कार के अंदर मिलेंगे। सो गाइस, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और बात करते हैं गाड़ी के बारे में अंदर से। सो गाइस, अब आ गए हम कार के अंदर, और अगर कार को अंदर से बात करें ZXI और ZXI ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ दो आपको फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं इसके अंदर, एक हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट एंड साथ ही साथ एक ड्यूल एयरबैग इस गाड़ी के अंदर जो है स्टैंडर्ड मिल जाता है आपको। एंड उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें तो डीप डाउन, तो उसका स्टेयरिंग व्हील जो है आपको नॉर्मल मिलने वाला है, इसके ऊपर कोई भी लेदर रैप्ड इसके अंदर नहीं मिलने वाला है, साथ ही टिल्ट स्टेयरिंग आपको इसके अंदर मिल जाएगा। मिड में सुजुकी का लोगो यहाँ पर इस तरह से, एयरबैग की बैजिंग, स्टेयरिंग माउंटेड कुछ कंट्रोल्स, एंड यहाँ पर भी एक कुछ कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपको हेडलाइट्स से जुड़े कुछ स्विचेस मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर मिड में आपको स्पीडोमीटर, साइड में टैकोमीटर, और यहाँ पर एक डिजिटल मीटर जो है मिल जाएगा, जबकि यहाँ पर फ्यूल गेज वगैरह ये सारी चीज़ें इसकी दिखाता है। एंड यहाँ पर एसी का वेंट जिसके सराउंडिंग जो है सिल्वर एसेंट है, और यहाँ पर जो है एक छोटा स्टोरेज स्पेस, यहाँ पर हेडलाइट लेवलिंग और फॉग लैंप से जुड़ा स्विच मिल जाएगा। एंड इसके बाद अगर यहाँ पर बात करें तो आपको साइड में इसके क्रोम तो नहीं कह सकते, इसका सिल्वर एसेंट का जो है डोर हैंडल मिलेगा, साथ ही यहाँ पर चारों पावर विंडोज के स्विचेस जो है इसके अंदर मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM के स्विचेस मिल जाएंगे, जो कि फोल्डेबल इसके अंदर नहीं है।
एंड उसके बाद अगर यहाँ पर डैशबोर्ड की बात करें तो आपको ब्लैक कलर का डैशबोर्ड मिलेगा, जो कि बिल्कुल एक नीट और बिल्कुल फ्लैट इसके अंदर जो है डैशबोर्ड इसके अंदर मिलेगा। एंड यहाँ पर मिड में आपको 2 AC vent, यहाँ पर हैजार्ड का स्विच और नॉर्मल इसमें स्टीरियो जो है पहले वाला ही, जो CD वाला आता था इसके अंदर, CD तो खैर कोई लगाता ही नहीं है। बाकी ब्लूटूथ और ऑक्स और USB की कनेक्टिविटी इस स्टीरियो के अंदर आपको मिल जाती है। एंड यहाँ पर कुछ मैनुअल AC से जुड़े कुछ आपको जो है स्विचेस मिल जाएंगे। यहाँ पर 12 वोल्ट का एक्सेसरी सॉकेट आपको मिल जाएगा, यहाँ पे USB और ऑक्स से जुड़े स्विचेस यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस, और ये मैनुअल में कार है तो मैनुअल गियर लीवर आपको अवेलेबल मिलेगा, और साथ ही यहाँ पर जो है 2 कप होल्डर आपको मिल जाएंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर इसके ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स में ठीक ठाक स्पेस आपको जो है इसके अंदर मिल जाएगा, और यहाँ पर 4 उसमें स्पीकर्स, और फ्रंट में आपको कोई भी बॉटल होल्डर नहीं मिलेगा, इसमें रेयर में जो है बॉटल होल्डर मिलेगा आपको। एंड यहाँ पर अपर की साइड बात करें तो अपर की साइड आपको यहाँ पर जो डोर वाइजर है उसके अंदर वैनिटी मिरर मिल जाएगा, एंड जो यहाँ पर है यहाँ पर डे नाइट आयर VM आपको मिल जाएगा, और साथ ही यहाँ पर मैप रीडिंग लैंप मिल जाएगा, और यहाँ पर ड्राइवर साइड सनवाइजर में जो है आपको टिकट होल्डर भी इसके अंदर मिल जाएगा। तो ऑल एंड ऑल फ्रंट से कार जो है कुछ इस तरह से दिखाई देती है फ्रंट से। और अगर रेयर का आप लेग रूम, हेड रूम और शोल्डर रूम के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले मैंने सिलेरियो LXi के ऊपर वेरियंट के ऊपर जो है वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, उसमें सब मैंने डिटेल से इसमें बताया हुआ है। इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, एंड इसके अब बात करते हैं इंजन टेक्नोलॉजी और सेफ्टी के बारे में। सो गाइस, जैसी बात करते हैं गाड़ी की इंजन और टेक्नोलॉजी के बारे में, तो 998cc का इसके अंदर इंजन मिलता है, जो 5 मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अवेलेबल मिलता है आपको। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस गाड़ी के अंदर 35 लीटर की मिलती है, और माइलेज की बात करें 31.63 किलोमीटर पर लीटर की इसके अंदर माइलेज मिलती है। साथ ही सेफ्टी की बात करें, ड्यूल एयरबैग, ABS इसके अंदर मिलता है, EBD नहीं मिलता है, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीवर पार्किंग सेंसर, इमोबिलाइजर और स्पीड अलर्ट सिस्टम ये आपको मिल जाता है। बाकी प्राइस की बात करें तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्राइस आपको दे दिए हैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती रहती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।